तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टॉप 4 बेस्ट मोटोरोला स्मार्टफोन्स के बारे में, जो आपको 15,000 रुपीज़ की बजट रेंज में देखने को मिल जाएंगे। और आप इनमें से किसी भी स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं, जो भी स्मार्टफोन आपको पसंद आता है या जिस भी स्मार्टफोन के साथ आप जाना चाहते हैं। बिकॉज मोटोरोला के जितने भी स्मार्टफोन्स होते हैं उनमें आपको स्टॉक एंड्रॉयड बेस्ड UI देखने को मिलता है, मतलब एकदम क्लीन UI देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको बैटरी भी काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल जाती है, फोटोग्राफी फीचर्स के साथ साथ बाकी स्पेसिफिकेशंस भी कम बजट रेंज में काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप भी 15,000 रुपीज़ की बजट रेंज में एक बढ़िया सा मोटोरोला स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हो और कन्फ्यूज़ हो कि आपको कौन से स्मार्टफोन के साथ जाना चाहिए, तो बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक ताकि आपको पूरी और सही जानकारी मिल पाए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर के भी अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारी लिस्ट के फर्स्ट नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में, तो वो हमने रखा है मोटोरोला की तरफ से आने वाला मोटो G54 5G स्मार्टफोन। और अगर बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है परफॉर्मेंस के लिए मीडियाटेक डायमेंसिटी 7020 का एक 2.2 GHz पर क्लॉक्ड 5G ऑक्टाकोर प्रोसेसर, जहां पर आपको 8GB तक की रैम सपोर्ट एंड 128GB की इनबिल्ट मेमोरी देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा भी आपको बैटरी के तौर पर 6000mAh की काफ़ी बड़ी बैटरी के साथ 33W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। सो हाँ, बैटरी के तौर पर आपको स्पेसिफिकेशंस काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। तो इसके बाद अगर बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले के तौर पर 6.5 इंचेस की एक IPS LCD पैनल देखने को मिल जाती है, जो कि 1080x2400 pixels की है। और ये जो डिस्प्ले पैनल है वो 405 PPI पिक्सल डेंसिटी पे वर्क करती है। यहाँ पर आपको एंटी फिंगरप्रिंट कोटिंग देखने को मिल जाती है, HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और फॉर स्मूथ एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और इसके बाद अगर वहीं पे बात करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको 50MP प्लस 8MP का डुअल रियर कैमरा सपोर्ट देखने को मिलता है विद OIS सपोर्ट। और आप यहाँ से मैक्सिमम 1080p में अपनी वीडियोस को 30fps पर फुल HD में रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आपको 16MP का एक फ्रंट कैमरा मिल जाता है। सो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को मिलते हैं हमारी लिस्ट के फर्स्ट नंबर वाले स्मार्टफोन में। तो इसके बाद अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के सेकंड नंबर वाले स्मार्टफोन की तरफ। और सेकंड नंबर पे हमने रखा है मोटोरोला की तरफ से आने वाला मोटो G62 5G स्मार्टफोन, और ये भी 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है। सो जिनको भी 5G स्मार्टफोन चाहिए इस बजट रेंज में मोटोरोला की तरफ से आने वाला, वो लोग इस स्मार्टफोन के साथ भी जा सकते हैं। तो अगर बात करें डिटेल से इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है परफॉर्मेंस के लिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का एक 2.2 GHz पर क्लॉक्ड 5G प्रोसेसर, जहाँ पर आपको 6GB तक की रैम सपोर्ट एंड 128GB की इनबिल्ट मेमोरी देखने को मिल जाती है। और वहीं आपको बैटरी के तौर पर भी 5000mAh की बड़ी बैटरी के साथ फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। और इसके साथ साथ अगर बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले के तौर पर 6.55 इंचेस की एक IPS LCD पैनल देखने को मिल जाती है, जो कि 1080x2400 pixels की है। और ये जो डिस्प्ले पैनल है वो 393 PPI पिक्सल डेंसिटी पे वर्क करती है। यहाँ पर भी आपको एंटी फिंगरप्रिंट कोटिंग देखने को मिल जाती है, और फॉर स्मूथ एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर वहीं पे बात करी जाए इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको 50MP प्लस 8MP प्लस 2MP का ट्रिपल रियर कैमरा सपोर्ट देखने को मिलता है, और आप यहाँ से मैक्सिमम 1080p में अपनी वीडियोस को फुल HD में रिकॉर्ड कर सकते हैं। और हाँ, सामने की तरफ भी आपको 16MP का सेंसर देखने को मिल जाता है। सो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को मिलते हैं हमारी लिस्ट के सेकंड नंबर वाले स्मार्टफोन में। तो आप इस स्मार्टफोन को भी कंसीडर कर सकते हैं। यह स्मार्टफोन भी 15,000 रुपीज़ के बजट प्राइस रेंज में एक बढ़िया सा स्मार्टफोन आता है। इसके बाद अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के थर्ड नंबर वाले स्मार्टफोन की तरफ। और थर्ड नंबर वाला जो स्मार्टफोन है वो एक 4G डिवाइस है। सो अगर आप अभी के टाइम पे एक 4G डिवाइस के साथ जा सकते हैं, तभी आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर करिएगा। अदरवाइज आपके पास ऑप्शंस हैं, आप 5G वाले स्मार्टफोन के साथ भी जा सकते हैं। 4G में एक फायदा आपको ये मिलेगी कि आपको यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस थोड़ा अच्छे देखने को मिल जाएगी इन कंपैरिजन टू 5G स्मार्टफोन। तो थर्ड नंबर पे हमने रखा है मोटोरोला की तरफ से आने वाला मोटो G72 4G स्मार्टफोन। और ये स्मार्टफोन जो है आपको 16,000 to 17,000 rupees की प्राइस में देखने को मिल जाएगा। तो अगर बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है परफॉर्मेंस के लिए मीडियाटेक हीलियो G99 का चिपसेट, जो कि 2.2 GHz पर क्लॉक्ड एक ऑक्टाकोर 4G प्रोसेसर है, जहाँ पर आपको 6GB तक की रैम सपोर्ट एंड 128GB की इनबिल्ट मेमोरी देखने को मिल जाती है। और वही बैटरी के तौर पर आपको यहाँ पर 5000mAh की एक बड़ी बैटरी के साथ 33W का टर्बो पावर चार्जर भी देखने को मिल जाता है। और इसके बाद अगर वहीं पे बात करी जाए इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले के तौर पर भी 6.55 इंचेस की एक POLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है,
जो कि 1080x2400 की है। और ये जो डिस्प्ले पैनल है वो 398 ppi पिक्सल डेंसिटी पे वर्क करती है। यहाँ पर आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखने को मिल जाता है और साथ ही 1300Hz तक की पीक ब्राइटनेस भी मिल जाती है। तो डिस्प्ले वाइज आपको यहाँ पर काफ़ी बढ़िया स्पेसिफिकेशंस मिल जाते हैं। और इसके बाद अगर वहीं पे बात करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको फोटोग्राफी फीचर्स काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल जाते हैं। बिकॉज आपको यहाँ पे 108 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल ईयर कैमरा सपोर्ट देखने को मिलता है। और आप इस कैमरा सेटअप के साथ मैक्सिमम 1080p में अपनी वीडियोज़ को 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। और वहीं सामने की तरफ भी आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेंसर मिल जाता है। सो ये रहे हमारे लिस्ट के थर्ड नंबर वाले स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स। इसके बाद अब बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के फोर्थ एंड लास्ट स्मार्टफोन की तरफ। और फोर्थ नंबर वाला हमने स्मार्टफोन जो रखा है वो भी एक 4G स्मार्टफोन ही है, बट ये उन लोगों के लिए है जिनका जो बजट है अंडर 10,000 रुपीज़ चला जाता है, तो वो लोग इस स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। जो कि आता है मोटोरोला की तरफ से Moto G42 स्मार्टफोन, तो आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 का एक 2.4 GHz पर क्लॉक ऑक्टोकोर प्रोसेसर। यहाँ पर आपको 4GB तक की रैम सपोर्ट एंड 64GB की इनबिल्ट मेमोरी देखने को मिल जाती है। और वहीं बैटरी के तौर पर आपको 5000mAh की एक काफ़ी बड़ी बैटरी के साथ 20W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर बात करी जाए इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले के तौर पर 6.47 इंचेस की एक AMOLED स्क्रीन देखने को मिलती है, जो कि 1080x2400 pixels की है। और ये जो डिस्प्ले पैनल है वो 411 ppi पिक्सल डेंसिटी पे वर्क करता है। एंड इसके बाद एट द एंड अगर बात करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको फोटोग्राफी फीचर्स के तौर पर 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल ईयर कैमरा सपोर्ट देखने को मिलता है। और आप इस कैमरे सेटअप के साथ मैक्सिमम 1080p में अपनी वीडियोज़ को फुल HD में रिकॉर्ड कर सकते हैं। वही सामने की तरफ भी आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेंसर मिल जाता है। सो ये रहे टॉप 4 मोटोरोला स्मार्टफोन्स जो आपको 15,000 रुपीज़ की बजट रेंज में देखने को मिल जाते हैं। और आप इनमें से किसी भी मोटोरोला स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं, जो भी स्मार्टफोन आपको पसंद आता है। अगर आपको 5G वेरियंट चाहिए तो आप 5G वेरियंट के साथ जा सकते हैं, अगर आपको 4G वेरियंट चाहिए तो आप 4G वेरियंट के साथ जा सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। आई होप कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद काफी कुछ सीखने को मिला होगा और ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को सिंपली कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो तब तक के लिए राधे राधे।